नमस्ते, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। फिल्मों में देखो तो पुलिस वालों की इमेज दिखती है करप्ट, घूसखोर या फिर बेहद ईमानदार, बहादुर सुपर कॉप। ऐसा सुपर कॉप जो ड्यूटी के लिए जान की भी परवाह नहीं करता, जैसे हमारी इस खबर का हीरो। झांसी में मऊरानीपुर नाम की एक जगह है, जहाँ के थाना प्रभारी हैं प्रेमचंद। किसी घर में सिलेंडर में आग लग गई, सिलेंडर फट सकता था, किसी की जान जा सकती थी, लेकिन ये सब नहीं हुआ क्योंकि प्रेमचंद सही वक्त पर वहाँ पहुँच गए। उन्होंने जलते सिलेंडर को ले जाकर गांव के बाहर नदी में फेंक दिया। इसमें उनके साथ कोई हादसा हो सकता था। जाहिर है उन्होंने औरों की हिफाजत को खुद से ज़्यादा तवज्जो दी। घटना की डिटेल ये है कि मऊरानीपुर में कोई जनाब राजू दुबे रहते हैं। घर में परिवार की कोई महिला चाय बना रही थी, एकाएक सिलेंडर में आग लग गई। लोग परेशान हो गए, चीखने चिल्लाने लगे। लोगों को कुछ नहीं सूझा तो दौड़कर पुलिस थाने को खबर की। थाना प्रभारी प्रेमचंद मीटिंग बैठे थे। मीटिंग बीच में छोड़कर कुछ और पुलिस वालों को साथ लेकर वो फटाफट घटना वाले जगह पर पहुँचे। सिलेंडर धू धू करके जल रहा था, लपटें निकल रही थी। प्रेमचंद ने कंबल गीला करके सिलेंडर पर डाला मगर आग नहीं बुझी। ऐसा लग रहा था कि अब ब्लास्ट हुआ तब ब्लास्ट हुआ। प्रेमचंद ने सिलेंडर में रस्सी डाली, फिर दौड़ते दौड़ते सिलेंडर को घसीटते घसीटते गांव के बाहर ले आए, उसको नदी में फेंका, तब जाकर उसकी आग बुझी। हीरो जैसा कोई करेक्टर होता है तो प्रेमचंद यकीनन हीरो ही हैं। उन्होंने फिल्मी पुलिस वाले की तरह बहादुरी की एक्टिंग नहीं की, बंदे ने सच में जान पर खेल कर औरों की जान बचाई। हमको ये कहानी हमारी साथी स्वाति से पता चली, जो मैंने आपको सुनाई। ऐसी और भी कहानियाँ, ऐसे और वीडियोस आपको देखने हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पेज को लाइक कर लीजिए, और हाँ, हमारा Android ऐप भी आ गया है, उसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए।